हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे शरद पूर्णिमा वाला दिन था और उस दिन मेरा फास्ट था। तो देखिए, अभी तो खैर मेरा भी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, आपको पता है। और कहते हैं अगर प्रेगनेंसी में उपवास रहो या कोई व्रत वगैरह रहो तो पाप पड़ता है, और ये आप ही लोगों ने कहा था। वैसे शरद पूनम के दिन कुछ भी नहीं खाते, पर मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का फलाहार कर लिया था। और तो अभी सुबह का टाइम भी था, एक बार मैंने सुबह खा लिया था 10-11 बजे, और अन्न वगैरह नहीं लिया था, पर यह है कि फलाहारी चीज़ ले लिया था। तो यहाँ पे मैं सिंघाड़े का आटा होता है जो कुड्डू का आटा, वो और साबुदाना और आलू को बॉईल किए हुए थे उसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ, और थोड़ी सी अपने लिए भजिए बना लूँगी। और मेरा इस टाइम भजिए खाने का भी मन था बस इसलिए। तो ये देखिए, हल्के हल्के से मैं फ्राई कर लूँगी इसको। और ये अभी जा चुके थे अपने काम पे, एक्चुअली छुट्टी थी पर हमें इंदौर जाना था, तो जताने जाना पड़ा उनको कि शायद अगर 2-3 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि पता है कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ आपको, है ना। और आप में से काफ़ी लोगों का दिल भी दुखा है, आप बोल रहे थे आरती आप अबॉर्शन मत कराइए क्योंकि हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे। तो देखिए, अभी तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, है ना, और अपने डॉक्टर से मैंने बात कर ही ली है। अब मेरे डॉक्टर क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो सिर्फ मैंने उनके ऊपर छोड़ा है। पहले आपने मेरे ऊपर छोड़ा था, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा था, फिर उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया है। और मेरे वहाँ पे भी टेस्ट होने हैं, मतलब जाते ही साथ मेरे टेस्ट होने हैं, डॉक्टर ने बोले हैं जो जो टेस्ट होने वो सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्टर अब देखते हैं क्या बोलते हैं। और दोनों चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इनको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, और इनके लिए साथ में मैंने खाना बना दिया था। इसी ब्लॉग में देखेंगे कि मेरी मतलब सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, और पहली बार इतना मुझे प्यार दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अभी मैंने ना भजिए बनाए हैं और वो रखी है, मैं बनाई हूँ, चटनी भी मैंने बनाई है, पर मैं बिल्कुल भी मैंने इतना सा भी टुकड़ा नहीं लिया। एक्चुअली क्या, सुबह मैंने मतलब थोड़े से साबुदाना की वो खा लिए थे, और उपवास मैं हूँ ना, तो मतलब खाने का अभी मन नहीं है, तो मैंने कहा अभी ला के हम रख लेते हैं ऐसे। एक्चुअली खाली पेट आपको पता है कैसा लगता है। और अभी फिर आप लोग कहते हैं आरती प्रेगनेंसी में कोई भी उपवास नहीं रहते हैं, तो मैं उपवास भी हूँ भी और नहीं भी, मतलब मैं कोई अन्य का चीज़ नहीं लूँगी, बस है कि फलहारी मैं करती रहूँगी। तो जो कद्दू का आटा लाया था ना, क्या बोलते हैं सिंघाड़े का आटा, उसकी आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है क्योंकि आज संडे है और आज अभी हमें निकलना भी है। तो वैसे मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और इन्होंने 2 दिन की छुट्टियां लगाई हैं, वैसे बात तो हमने करके रखी है, अगर और टाइम लगा तो और भी छुट्टियां लग सकती हैं, तो पहले से ही इन्होंने बात करके रखी है। और देवी सो रहा है, वो देखें मैं इस तरीके से लेटी हूँ कूलर चालू क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस वजह से। तो अभी चलिए देखते हैं हम कितना खाते हैं कितना नहीं। अभी मैं देखिए पूरा वैसे ही रखा हुआ है। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर तक लिए बैठ नहीं पा रही हूँ ना, पेट दबता है ना तो फिर जलन सी होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है, तो लेट के बेटर फील कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, फिर चलिए बाय बाय आपसे। आप लोग, इतनी ही भजिया मैंने बनाई थी, कुछ देव के लिए रख दी, अभी वो सो रहा था तो मैंने कहा उसको रहने देते हैं। और मेरे हस्बैंड ये सब ऑयली वाला नहीं खाते, मैं अपने लिए दही भी दही के साथ खाऊंगी, चटनी भी बनाई पर मेरी चटनी खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं दही और भजिए खाऊंगी। थोड़ा सा ही दही मैंने निकाला है, पीना बना दिया है। ये देखिए ब्राउन राइस बनाए थे, उसको मैंने ऐसे ही मतलब कढ़ाई में वो कर दिया है, और सब्जी रोटी यहाँ पे रखी हुई है हस्बैंड के लिए, देखिए ये सब्जी। और स्टेफन में रोटी बना दी क्योंकि चौका कपड़ा है वो थोड़ा गंदा हो गया है, तो मैंने कहा इसी में रख देते हैं। अब जाऊंगी सीधे मुंह हाथ धुल के गैस साफ करके पूजा पाठ करूंगी। और मेरी यहाँ पे देखिए थाली भी लग गई है, ये पूजा की थाली लगा ली है मैंने। अभी बाहर फिर जाएंगे हम पूजा करेंगे, तो पहले मुँह हाथ धुल के
नहीं बिल्कुल रखी वो बोन बेटा से। तो देखिए अभी मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि पूजा पाठ करनी थी और फिर वो झूठे कपड़े हुए जाते हैं ना इस वजह से, और शाम का टाइम था मैंने कंघी नहीं की, बस हाथ साड़ी वगैरह पहन ली, और उसका ब्लाउज सिला नहीं था, और एक्चुअली मुझे ढीले ढाले कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय। तो अभी यहाँ पर पूजा करेंगे और मैं एक मिनट से ना ये पेड़े की पूजा की जाती है, और मेरा ये तीसरा शरद पूर्णिमा है। एक्चुअली मैंने जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तब मैं रही, और उसके बाद फिर मैं पिछले साल मैं भूल गई थी क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ था, इस वजह से याद ही नहीं था, हम इंदौर में ही थे। अभी मुझे अच्छे से याद था, और ये बच्चों के लिए रहा जाता है तो मैं क्यों पीछे हटती। तो ये देखिए हमारी सारी तैयारी हो गई है, ये तुलसी माता की पूजा होती है बाहर, तो चलिए हम चलते हैं बाहर और बाहर बैठ के हम आराम से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए मैंने यहीं पे चौक वगैरह पूर लिया था और साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि फिर ऐसे नहाना धोना तो नहीं हुआ मेरा, पर मैंने कर लिया, और आज रविवार भी था। तुलसी जी को मैंने जल तो चढ़ाया पर बहुत ऐसे चढ़ा दिया था क्योंकि पूजा करनी भी ज़रूरी थी, है ना। तो ये जो पेड़े होते हैं ना वो एक गर्भवती को देते हैं, एक पति को देते हैं, एक स्वयं खाते हैं। तो जितना मुझे पता था, अब गर्भवती तो पता है अभी मैं ही हूँ, तो देखिए मेरी सासू माँ आई थी और सासू माँ ने मुझे ये पेड़े दिए थे क्योंकि उनको पता था कि मैं गर्भवती हूँ, और उन्होंने भी मुझे अबॉर्शन के लिए मना किया है जब वो ये शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू देने आई थी, उनकी बोली रहने दो। तो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कोई हिम्मत दी ना, अच्छा लगा। पर देखिए फैसले जो हैं वो बार बार नहीं बदले जाते, वो एक बार जो ले लो तो ले लो। बस मैंने शरद पूर्णिमा के लड्डू ले लिए थे, और यहाँ पे देखिए फिर हमारी आरती भी हो गई थी और पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी, जिस हिसाब से मैंने सोचा नहीं था उस हिसाब से मेरी पूजा हो गई थी। ये देखिए मुझे ना दो 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 पेड़े मिल चुके थे, हाँ दो पेड़े मिले थे, जैसे ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता था पर जिनको पता था उन्होंने दे गए थे वैसे भी। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और टाइम हो रहा है 8, और आज ही हमें निकलना भी है, मतलब 10:30 बजे निकलना है। तो ये अभी अंदर खाना खा रहे हैं, और अभी मुझे दो लड्डू तो मिल चुके हैं, दो पेड़े मिल चुके हैं, और देखते हैं। वैसे तो मैंने फलाहार कर लिया था और आज के दिन वैसे मीठा खाते मैं नहीं खाया, तो ये देखिए तो पूजा भी हो गई है और चंदा बहुत अच्छा दिख रहा है, कहते हैं आज के दिन अमृत बरसता है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बैठेंगे, फिर उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं ना, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी इन्होंने खाना खा चुके हैं और हम अपना बैग भी पैक कर रहे हैं, और मैं बता दूँ मैंने कपड़े फिर चेंज कर लिए थे। एक्चुअली क्या है ज़्यादा तक क्या हैबिट मैंने भी नहीं है टाइट कपड़े पहनने की, तो फिर मैंने नहीं पहने, और मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, शायद आज कुछ खाना नहीं खाया, मतलब अन्न शायद इस वजह से, मुझे नहीं पता। और मैं बता दूँ आपने देखा मेरी वीडियो में सासू माँ आई थी मेरी, और वो पेड़े देने आई थी, गर्भवतियों को पेड़े देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि वो मुझे पेड़े दें। एक मुझे और पेड़ा मिला था, और मैंने जो मेरा पेड़ा था वो किसी और को दे दिया, किसी और गर्भवती को दे दिया, क्योंकि देखिए दो मेरे पास ऑलरेडी आ गए थे, तो फिर देखिए दो ही हो गए हैं। और तो मतलब वैसे से पता वैसे किसी को भी नहीं है ना, पर हाँ अगर एक को मेरे यहाँ पे पता था, जब मैं बताई थी आपको कि जहाँ पे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं उनसे अच्छी खासी पहचान है, आपने देखा वो उनकी बेटी कैफी पर मेरी वीडियो में आई है, तो एक वो देने आई थी, और मेरी सासू माँ को तो पता ही था, तो सासू माँ भी आई थी मुझे देने, मैंने पूजा की तो अच्छा लगा, वो भी उपास रहती हैं सासू माँ और मैं भी थी। तो चलिए अब देखते हैं कितने पेड़े मुझसे खाए जाते हैं, जितने खाए जाएंगे उतने ठीक है। एक पति को देना है तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ले लेंगे, और एक सखी तो मैंने तुलसी माता से ही सखी का वो कर लिया था, तुलसी माता जी को ही अपनी सखी बना लिया, और दो कंबल रखने पड़ेंगे यार, दो कंबल एक ज़्यादा, हाँ कपड़े भी एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे ना, समझा करो। तो चलिए फिर ठीक है, हम आपसे ऐसे ही जितना भी हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो क्लिप शूट करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पहले जैसी हिम्मत अभी नहीं है, मतलब जैसे एक
मेरा था कि हाँ मैं मुझे अपना पूरा फोकस अपने वीडियो में करना है, बट अभी मेरा उस इस समय नहीं है, आप समझ सकते हैं बाकी सिचुएशन है ना, और मेरा मन बहुत बहुत प्रकारों का करता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से।